दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ टोक्यो का ये ग्रैंड मॉस्क। यहाँ पे आया हूँ और ये टोक्यो का ग्रैंड मॉस्क, जापान की राजधानी टोक्यो की जो ये ग्रैंड मॉस्क है ये काफ़ी फेमस है। काफ़ी दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। और ये कह लें कि अगर आप टोक्यो या जापान में टोक्यो में घूमते हैं तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट की ख्वाहिश ये होती है कि एक बार टोक्यो ग्रैंड मॉस्क भी घूमें। तो आइए दोस्तों, हम इसी बीच आए हुए हैं ये टोक्यो ग्रैंड मॉस्क में। आप देख सकते हैं आसपास का एरिया और देख सकते हैं कि अभी कंस्ट्रक्शन मतलब चल रहा है, रिनोवेशन चल रहा है। और चलिए हम आगे चलते हैं। एंट्रेंस, ये एंट्रेंस रहा और इससे अंदर घुसते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये देख सकते हैं कि आसपास का एक पहला जो आपका ये फर्स्ट फ्लोर है कम्प्लीटली डेडिकेटेड है टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट आते रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए कोई भी टूरिस्ट से पूछता है इस्लाम के बारे में या आपको टोक्यो ग्रैंड मॉस्क के बारे में। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि एक तरह से कि काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है जापान का और टोक्यो टर्की का। बेसिकली टर्की ने इस मॉस्क को ग्रैंड दिया है, एक तरह से टर्की के ही लोग इसको मॉस्क को रख रखाव करते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कुछ खाने पीने की भी चीज़ें यहाँ पे आप पानी पी सकते हैं, चाय हल्का फुल्का ले सकते हैं। और उसके हिसाब से उसके अलावा ये भी है कि आप खजूरें वगैरह खा सकते हैं। बैठने वगैरह का जगह है, आप कोई टूरिस्ट आता है यहाँ पे बैठता है। बहुत सारे बुक्स पंपलेट वगैरह वो ले सकते हैं यहाँ से। और कोई भी इंफॉर्मेशन इस्लाम से और ग्रैंड मॉस्क से रिलेटेड उनको मालूम करना होता है तो वॉलंटियर उनको हेल्प आउट करते हैं। और दूसरी जगह और आगे हम ये चलते हैं कि ये बड़ा सा आपका हॉल है और मुझे लगता है कि ये काइंड ऑफ है कम्युनिटी कम्युनिटी सेंटर है, काइंड ऑफ है जैसे कि काफ़ी लोग की गैदरिंग होती है। तो इसमें या तो एक तरह से कि कोई एक्टिविटी वगैरह होती है, इवेंट वगैरह होता है और कोई इस्लामिक सेमिनार वगैरह होता है तो इसी को शायद यूज़ किया जाता है। और ये देख सकते टेबल वगैरह लगी भी है और यहाँ पे हो सकता है कि खाने पीने के लिए भी एक तरह से जो ना कि कोई बड़ा इवेंट होता है, काफ़ी लोग जमा होते हैं तो उसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट एक ग्रुप टूरिस्ट का ग्रुप आया हुआ है। इस तरह से लोग आते रहते हैं, ग्रुप में आते रहते हैं। और ये हो सकते हैं जापनीज हैं और सारी चीज़ें बता रहे हैं। लोग बहुत क्यूरियस होते हैं मतलब मॉस्क के बारे में जानने के लिए, इस्लाम के बारे में जानने के लिए, तो ये सारी चीज़ें इनसे शेयर कर रहे हैं। और इसके अलावा काफ़ी एक बड़ा हॉल है और काफ़ी ये देख सकते हैं कि जो टूरिस्ट ग्रुप आया हुआ है यहाँ पे घूमने के लिए। तो इस हिसाब से ये पहला फ्लोर जो है कि डेडिकेटेड है एक्टिवेशन है लेते हैं। तो इस तरीके से कम्प्लीटली डेडिकेटेड है फर्स्ट फ्लोर है टूरिस्ट वगैरह के लिए और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। और जो हम तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर कम्प्लीटली आप देख सकते हैं कि टेबल चेयर और बड़ा सा हॉल है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको रखी गई हैं। कुछ बर्तन वगैरह जो काफ़ी पुराने पुराने हैं, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह, ये सारी चीज़ें एक तरह से यहाँ पे रखा गया है फ्रेम में डाल के। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे और काफ़ी आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे अक्सर मॉस्क को देखने के लिए, इस्लाम को जानने के लिए। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों का आना जाना होता है जो भी जापान टोक्यो में आता है खास तौर पे। तो इस तरीके से देख सकते हैं। और आप ये नमाज के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे, जुमे की नमाज और इसके अलावा जो 5 वक्त की नमाज होती है तो ये नमाज यहीं पे अदा की जाती है। और आप देख सकते हैं जैसे टूरिस्ट भी अंदर आते हैं और एक कम्प्लीटली उनको समथिंग फुल अटायर में आना होता है। अगर अगर इस तरीके से मतलब नीचे में फर्स्ट फ्लोर पे उनके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया गया है कि अगर आप वहाँ से बोरो कर सकते हैं कपड़े, आपके प्रॉपर कपड़े नहीं हैं तो इस तरीके से। तो देख सकते हैं कि ये जो एक ग्रुप ऑफ पब्लिक आती है और यहाँ पे वो जानना चाहते हैं, क्यूरियस होते हैं इस्लाम के बारे में, मॉस्क के बारे में। इस तरीके से उनको एक बंदा गाइड कर रहा है, बता रहा है और सारी चीज़ें के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है और दुनिया के जो भी जापान आता है बंदा तो कोई ना कोई बहुत सारे लोग इसको विजिट करते हैं। या दोस्तों अगर आप जापान आते हैं तो ग्रैंड मॉस्क, टोक्यो के ग्रैंड मॉस्क को जरूर विजिट करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, और आपको फ्यूचर में भी कुछ कुछ इस तरह से आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।